तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगायाय भृगु कुल कमल पतंगा। शरीर भूति भल राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उसी समय धनुष खंडन की आवाज सुन करके परशुराम जी महेंद्र पर्वत से निकल पड़े और पहुंच गए जनकपुरी में। जैसे परशुराम जी महाराज आए, कैसा स्वरूप है, गौर शरीर, गोरा शरीर है, उस पर भी भस्म का लेपन कर रखा है भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। कहते हैं जिसका भाल विशाल होता हो बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। पर बाल झड़ने के पहले, बाल झड़ने के बाद तो यहाँ तक बाल चला जाता है, वो थोड़ी ना होगा। परशुराम जी महाराज पहुंचे, दुखती रग पे हाथ चला गया शायद। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हंस लिया करिए, हंसने में कुछ नहीं जाता। समझते हैं, जानते हैं। अच्छा, कोई फोटो खींचने आता है तो आदमी क्या करता है आप बताइए। कोई अभी कहे आप बैठे हो और कोई कहे भैया फोटो, फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी ऐसे कर लेंगे, ऐसे करेंगे क्या? कितना गुस्सेल आदमी था, करेंगे ना? सोचिए, एक सेकंड हंसने से आपकी आपकी ये सामने की कागज की तस्वीर अच्छी हो जाती है ना। और जब व्यक्ति जीवन भर में मुस्कुराने की आदत डाल ले तो उसके जिंदगी की तस्वीर अच्छी आएगी कि नहीं आएगी। मुस्कुराना एक कला है जो खाली इंसान को आती है, गाय भैंस बकरी बैला को नहीं आती है। आपने अपनी भैंसिया को कभी हंसते देखा है? आज हमारी भैंसिया बहुत खुश थी, आज राम विवाह था। नहीं, मुस्कुराने की कला भगवान ने मनुष्यों को दी है, पर ख्याल रहे कि हम मुस्कुराएं, हम हंसें, ऐसा काम ना कर दे कि दुनिया हम पे हंसने लगे, सचेत भी रहे। जैसे ही परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ, जितने अभिमानी राजा हैं, निगाह पड़ी कि परशुराम जी महाराज आए हैं। द्वार पर देखा अब थर थर कांपने लगे, पितु समेत ले ले निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम ले ले करके सारे जितने राजा हैं ये आके परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। महाराज, हम पला देश के राजा, आपको याद है आपने एक बार एकादशी हमारे यहाँ पारण किया था। परशुराम जी देखे घूर, ऐसे निगाहों में शक्ति अगर एक मिनट भी देख ले, पांच सेकंड अगर लगातार परशुराम जी ने किसी की ओर देख दिया, पांच सेकंड केवल अगर एक टक एक जगह देख दिया, वो राजा सोचे हमारी मौत आ चुकी है, परशुराम जी हम ही को देख रहे हैं, इसका मतलब आज हमारी चला चली की वेला शुरू। नेत्रों में ऐसा है पराक्रम, सारे राजा थर थर कांप रहे लेकिन मन ही मन खुश भी हो रहे हैं। क्यों? अच्छा हुआ जो धनुष आज हमने नहीं तोड़ा। अच्छा, ये हार नहीं मान रहे आपस में एक दूसरे से, तुमको क्या लगता है धनुष हमसे टूटा नहीं कि हमने तोड़ा नहीं? बच्चे धनुष तोड़ गए, छोटा सा बच्चा धनुष तोड़ दिया, हमारे जैसा बलवान नहीं तोड़ पाता। जानते हैं भाई साहब बात क्या है, हमने जान के धनुष वहां नहीं तोड़ा, हमें पता था बाबा जी आएंगे और हमको भी हमें कलेश अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो बगल वाला, हाँ भाई साहब एकदम सही कह रहे हो, हमने भी तो इसीलिए नहीं तोड़ा। अभी दोनों भाई साहब आपस में एक दूसरे की तारीफ, और दोनों ऊपर से कह रहे हैं तोड़ा नहीं, और मन में कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मा जी हमारी उम्र बढ़ा दी आप, अगर ये धनुषवा हमसे टूट गया होता तो बाबा जी अब तक निपटा दिए होते हमको। भला भैया हमसे नहीं टूटा, और भला भैया इससे टूटा, अब मजा आएगा, अब तो बाबा जी इसकी अच्छी खबर लगाएंगे, बहुत जयमाला पहन के बैठा है। अब ये खुश हैं, परशुराम जी ने देखा इतनी भीड़, एकदम जनक कहो क्या कारण है, ये कैसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है, ओ मिथिलापति अब ये बदला किसने, ये धनु हाथ तोड़ा है किसने, इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा, जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा।
घोड़ा ही इतनी बड़ी सभा कैसे लगी हुई है? ये धनुष का खंडन किसने किया? जल्दी बताओ, उसको मेरे सामने लेके आओ। अब राम जी के विषय में जनक जी को संकोच कैसे बताएं? अब तो जमाई राजा है तो मौन खड़े जनक जी। राम जी आ गए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। राम जी ने कहा आपका किसी कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा हो? परशुराम जी बोल पड़े, भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये सेवक का काम नहीं, ये शत्रुता का काम है, और शत्रु से मैं नहीं, मेरा फरसा बात करता है। अच्छा, राम जी सामने हैं तोड़ के भी, अब कह रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा होगा, तोड़ा होगा। तब अभी राजा खुश थे, सारे खुश थे कि अब हमको तो कुछ होना नहीं, हमसे तो टूटा नहीं। तब तक परशुराम जी ने बोल दिया, जिसने धनुष वह तोड़ा है, सो बिलगाई बिहाई समाजा, और नत मारे जई है सब राजा। वो एक बाहर आ जाए सभा छोड़कर, नहीं वो एक के चक्कर में सब मारे जाएंगे। अभी बेचारों के प्राण सूख गए, तो धनुष भी नहीं टूटा, मारे जा रहे सो अला। एक बगल वाले ने कहा, सुनो ना, जाके बाबा जी को कह दो हमने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। नाम बता दो जाके, जो सामने खड़ा है इसी ने तोड़ा है। बगली वाले राजा ने कहा, ज्यादा होशियार मत बनो, अगर हम गए बताने तो बाबा जी उसको बादी में मारेंगे, हमको पहले गला काटेंगे। जब वो तोड़ रहा था तो तुमका यहाँ तमाशा देख ले, रोका क्यों नहीं तोड़ने से? अब राम जी तो बार बार कह रहे आपके दास ने तोड़ा होगा, दास ने तोड़ा होगा। अब ये राजा आपस में रो के, ये राजकुमार साफ साफ क्यों नहीं बताता कि हमने तोड़ा? गोल गोल बात कर रहा है, बाबा जी समझ नहीं पा रहे, सीधा क्यों नहीं बोलता कि हमने तोड़ा? अब राम जी की गूढ़ बात महाराज नहीं समझ रहे, क्रोध में बात समझ में नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। अब राम जी ने तो कहा, अच्छा, जब राम जी की इतनी सुंदर भाषा पे इतना कड़वा सा उत्तर दिया परशुराम जी ने, तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जो भाषा आप बोल रहे हैं वो बाबा जी को समझ में नहीं आती है, और जो भाषा बाबा जी को समझ में आती है वो आपको बोलनी नहीं आती है। इनकी भाषा के स्पेशलिस्ट हम है, कहो तो हम दो दो बातें बतिया लें बाबा जी से। राम जी ने ना हाँ ना ना मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो राम जी के आगे गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ महाराज क्या हो गया, क्यों इतना क्रोधित है? परशुराम जी ने कहा, धनुष टूट गया। लखन लाल ने कहा, वो तो टूट गया, आप काहे इतना फूट रहे हैं क्रोध से महाराज? इतने ही धनु पर ममता के हेतु हमने बचपन में कितने कमठे तोड़े, आप कभी नहीं आए गुस्सा करने, आज क्यों आप चले आए? बहुधनु ही तोरी लड़काई, कब हूं नासर सकीन गोसाई, आज कैसे आप आए हैं? परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। रे नृप पालक काल बस, क्या तू काल के वशीभूत है? तू शिव धनुष की तुलना ये साधारण धनुष से कर रहा है? लखन लाल ने कहा, महाराज हमरे जान में धनु ही हो चाहे धनुहा, एक के बराबर है, काहे कि दोनों प्राण लेते हैं, एक को जीवन नहीं देता है, तो हमारे लिए सब बराबर। और आप हमारे भैया को तब से कह रहे तोड़ दिया तोड़ दिया। अरे तोड़ा नहीं है, धनुष बाहर से डेंट पेंट चमक रहा, भीतर से खोखला हो गया था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, भैया का कोई इसमें दोष नहीं, उन्होंने छुआ भर था, क्षत्रिय है, अस्त्र शस्त्र से तो प्रेम होता ही, छुआ टूट गया। अब आपको इतनी समस्या क्यों हो रही है? आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता? परशुराम जी ने कहा, लखन लाल आकर कहते हैं, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो कर ना हो सो करे आप शिव धनुष हम ही ने। अब तो महाराज मान लियो कि चलो हमरे भैया ने तोड़ा, अब आप आगे बताओ। परशुराम जी को पहली बार कोई जवाब देने वाला मिला, कांपने वाले तो हमेशा मिले। परशुराम जी ने कहा, बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है? क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। इधर देखो, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। फरसे की ओर देखो, इसने 21 बार क्षत्रियों से हीन पूरी धरती को किया है, तुझ पर ना जाने आज क्यों मेरी ममता उमड़ रही है, जो तेरे गले पर ये फरसा चल नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह अरे ममता, ये ममता है महाराज, तो आपका क्रोध कहाँ है? क्रोध आपका कैसा है?
परशुराम जी से जब फरसा दिखाने लगे परशुराम जी तो लखन लगा, अरे सरकार क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, हम छुए मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। आप हमको काहे को बार बार ये बूढ़ा फरसा दिखा दिखा के डरा रहे हो। अच्छा जब परशुराम जी का क्रोध बढ़े तो राम जी आगे आ जाए या विश्वामित्र जी रोक दे। अब राम जी आगे, अरे सरकार बच्चा है दूध मुहा बालक, इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, बालक बर रहे एक सुबह, क्षमा कर दीजिए। तब तक परशुराम जी का क्रोध थोड़ा सा शांत ही भया था। लक्ष्मण जी फिर पीछे से बोल, महाराज इतनी चिंता हो तो कहिए जनक जी से कहे कोई कारीगर बुलाए, इसको मरम्मत करा दे, आप लेके चले जाए। परशुराम जी फिर बोल रहा, फिर बोलता है पीछे से, देखो तुम कहते हो बच्चा है, अरे ये सोने के घड़े में जहर भरा है, जहर, कितनी कड़वी भाषा है। लखनलाल ने कहा अब क्या करें, जैसी भाषा गुरुजी समझेंगे चेला वैसा ही तो बोलेगा। इतनी वार्ता भई, राम जी के गूढ़ रहस्य को जब बार बार में नहीं समझ सके परशुराम जी, तो राम जी ने आगे आकर पुनः कहा, मुनिवर मेरा अपराध इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आपको लगता है मैं अपराधी हूँ, मैं अभिमान किस बात का करूं, आपका नाम मुझसे बड़ा, आपका काम मुझसे बड़ा, आपका यश मुझसे बड़ा। मुनिवर अगर आपको मैं अपराधी लगता हूं तो आपका चरण है, मेरा शीश है और आपके हाथ में आपका फरसा है, आपको जो उचित लगे आप निर्णय करिए। जब विप्रों का आदर इस तरह से हृदय में विराजमान देखा तो परशुराम जी अपने हाथ में एक धनुष उन्होंने लिया था, देत चाप आप ही चली गया हूं। जैसे इस धनुष को देना चाहा यह धनुष स्वयं रघुनाथ के हाथ में गया। धनुष हाथ में पहुंचा भर था, लखनलाल फिर बोल पड़े, भैया छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़िए। राम जी ने कहा क्यों, बोला अरे सरकार अभी एक धनुष का मुकदमा पूरा क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा धनुष आपने ले लिया, एक टूटा है तो परेशानी है, इसको भी कहीं टूट टाट गया तो अब तो महाराज जी का क्रोध एक का तो संभल ही नहीं रहा, दूसरे का कहां से संभाले। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई परशुराम जी को ज्ञात हुआ ये साक्षात ब्रह्म है, क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने आश्रम को अपने स्थान को गए।